तो जी बिजनेस और एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम ऑप्शन इन गुड्स में बात करने वाले हैं कि कैसे किसान ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर ना सिर्फ अपनी उपज के लिए एक निश्चित भाव पक्का कर सकते हैं बल्कि यदि भाव उस निश्चित सीमा से ऊपर चला जाए तो खुले बाजार में अपनी उपज बेचकर बढ़ी कीमत का फायदा भी उठा सकते हैं। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के एग्री कमोडिटी एक्सचेंज एग्री मार्केटिंग को और ज्यादा व्यापक बनाने और खास तौर पर उसमें असली उत्पाद को यानी किसानों को शामिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एग्री सेक्टर से जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स खासकर किसानों को कमोडिटी मार्केट को समझने और इसका इस्तेमाल करने के लिए लगातार नए नए प्रोग्राम के जरिए शिक्षित भी कर रहे हैं। साथ ही एग्री मार्केट में मौजूद जोखिम को वायदा बाजार के जरिए कम करने के लिए एक्सचेंज की तरफ से जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है और ऐसे दौर में किसानों के लिए एनसीडीएक्स की कोशिश सही मायने में सराहनीय है। जहां एक ओर केंद्र सरकार किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओज के जरिए पूरे कृषि परिदृश्य को बदलने की कोशिश कर रही है, वही एग्री कमोडिटी एक्सचेंज ने पिछले 4-5 सालों में लगातार इन संगठनों को वायदा प्लेटफॉर्म से जोड़कर उन्हें हेजिंग और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट का फायदा मुहैया करा रही है जो अब तक सिर्फ ट्रेडर्स और बड़े व्यापारियों को ही सुलभ था। ऐसे प्रमाण मौजूद है जो बताते हैं कि दर्जनों एफपीओज ने वायदा बाजार का इस्तेमाल करके अपना रियलाइजेशन यानी उपज के लिए मिलने वाली कीमत पहले के मुकाबले 30% तक बढ़ाने में भी सफलता पाई है। फिलहाल एनसीडीएक्स के साथ देश के लगभग 325 एफपीओज काम कर रहे हैं जिसमें करीब 9,00,000 किसानों को फायदा हो रहा है। अब तक 138 एफपीओज ने 18 कमोडिटी में कुल 60,000 टन का कारोबार किया है। इसी सिलसिले में पिछले साल एक महत्वपूर्ण घटना तब हुई जब सेबी की मंजूरी के बाद एनसीडीएक्स ने ऑप्शंस इन गुड्स की शुरुआत की। ऑप्शंस में एक छोटी सी कीमत देकर किसान पुट ऑप्शंस खरीदते हैं जिसे प्रीमियम कहते हैं। यही कीमत किसान का अधिकतम मूल्य जोखिम होता है क्योंकि कभी भी यदि किसान अपने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना चाहे तो वो प्रीमियम को छोड़कर अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, यानी किसान के दोनों हाथों में लड्डू है। यदि उसने किसी उपज को 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बेचने का पुट ऑप्शन खरीदा है तो 5,000 का भाव तो उसको निश्चित तौर पर मिलने वाला है, लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट के समय खुले बाजार में उसी उपज की कीमत 6,000 रुपए प्रति क्विंटल हो जाए तो किसान आराम से प्रीमियम की छोटी रकम छोड़कर अपनी उपज जहां चाहे वहां बेच सकता है। हाजिर बाजार के बेहतर प्राइसिंग का फायदा लेने के लिए किसान की होल्डिंग क्षमता भी ऑप्शंस के जरिए बढ़ जाएगी और रिस्क भी बेहद कम होगा। एनसीडीएक्स की पहल के बाद देश के कई एफपीओज ने इसके फायदे को देखते हुए पुट ऑप्शंस में काफी दिलचस्पी दिखाई है और इस खरीफ सीजन में उम्मीद है कि किसानों की भागीदारी एफपीओज के जरिए वायदा बाजार में और भी ज्यादा होगी। खासकर वायदा बाजार में मौजूद ऑप्शंस के टूल्स के जरिए अपने जोखिम को ज्यादा से ज्यादा कम कर सकेंगे। हेजिंग के लिए फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट पोजीशन की लागत ज्यादा होती है, वहीं पुट ऑप्शंस खरीदने में सिर्फ प्रीमियम का खर्च आता है और असीमित मुनाफे का विकल्प भी मिलता है। साथ ही पुट ऑप्शंस या कॉल ऑप्शंस खरीदने के लिए कोई मार्जिन नहीं देना पड़ता है, सिर्फ छोटे से प्रीमियम का भुगतान कर पूरा कॉन्ट्रैक्ट उठाया जा सकता है। ऑप्शंस के खरीदार को किसी तरह का मार्क टू मार्केट का भी भुगतान नहीं करना पड़ता। पुट ऑप्शन से किसानों को बुआई से पहले प्रीमियम के आधार पर सही फसल चुनने और सेल प्राइस फिक्स करने का बेहतरीन मौका मिल जाता है ताकि किसान खेती को मुनाफे की खेती बना सके और उनकी दिलचस्पी खेती में बनी रहे। यानी कह सकते हैं कि देश में खेती किसानी को नया आयाम देने के लिए ऑप्शंस इन गुड्स शानदार पहल है। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि ऑप्शन इन गुड्स कितना ज्यादा फायदेमंद है और इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अंकित चांगिया, डायरेक्टर हैं श्री बालाजी मल्टी कमोडिटीज के। अंकित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमने हालांकि रिपोर्ट के जरिए बहुत हद तक ये बताने की कोशिश की कि ऑप्शन इन गुड्स क्यों जरूरी है, लेकिन मैं आपके जरिए ये जानना चाहता हूं सर कि प्राइस रिस्क मैनेजमेंट में ऑप्शन इन गुड्स कितना बेहतर टूल है, इसको जरा डिटेल में आसान भाषा में सर अगर आप समझाएं हमारे दर्शकों को। तो बशा सर, जैसे आपने बोला कि ऑप्शंस, जो ऑप्शंस है, जैसे कि हम जानते हैं जो ऑप्शंस प्राइस रिस्क को मैनेज करते हैं, उसी तरह अगर हम ऑप्शंस की बात करें जो कॉमोडिटीज के अंदर हम यूज करते हैं, एग्री कॉमोडिटीज में ज्यादातर, वहां पे हम प्राइस मूवमेंट को के रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका हम डिलीवरी भी हाथों हाथ दे सकते हैं। पहले जो ऑप्शंस होते थे वो होते थे फ्यूचर प्राइसेस के ऊपर, जहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो फ्यूचर में कन्वर्ट होता था, बट अभी जब से रेगुलेटर एंड एनसीडीएक्स ने मिलकर एक नया सुझाव लेके आए हैं जो कि पूरे मार्केट ने अच्छे से अपनाया है और मार्केट इसका अच्छे से यूज भी कर पा रहा है, यहाँ पर ऑप्शंस में ट्रेड करने पर फाइनली अगर आप इंडी मनी है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट फेवर में है, तो आप सीधा डिलीवरी दे सकते हैं अपने गुड्स का। इस हिसाब से फार्मर्स को बहुत फायदा होता है इस टूल से, जहाँ पे वो अपना प्राइस का रिस्क तो मैनेज करते ही करते हैं, साथ ही साथ अपनी डिलीवरी भी अंत में वो दे सकते हैं। ओके, तो ये आपने बताया कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट इसके जरिए होगा, लेकिन एक सवाल अंकित जी मेरा आपसे ये होगा कि चूंकि किसानों को ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई है, तो आप जरा हमारे किसान भाइयों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको जरा आप बताएं कि किसान भाई इस प्लेटफॉर्म का, इस टूल का कैसे फायदा उठा सकते हैं ऑप्शन इन गुड्स का। देखिए सर, क्या है कि जो ऑप्शंस इन गुड्स है ये एग्री कॉमोडिटीज के अंदर एक नई चीज आई गई है, जो मतलब अभी एक साल से ही लास्ट ईयर ही सेबी ने अप्रूवल दिया है। जो हमारे किसान भाई हैं, जो अपना जो प्रोड्यूस खेती कर रहे होते हैं, तो उनको एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि उनको कौन सा कॉमोडिटी लगाना है। उनके पास कई सारे कॉमोडिटीज होते हैं कि वो ये भी लगा सकते हैं और वाई भी लगा सकते हैं, बट उसके अंदर अगर वो ऑप्शन का प्रीमियम प्राइस देखे तो वो समझ सकते हैं, उसको अपनी कॉस्ट में गिन सकते हैं। जैसे वो सीड को सबको अपनी कॉस्टिंग में गिनते हैं, वैसे ही ऑप्शन के प्रीमियम को कॉस्ट में गिनकर किसान भाई ये जान सकते हैं कि हमें आने वाले समय में कम से कम इतना मूल्य तो हमारी प्रोड्यूस का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो चना है, सरसों है, चाहे वो कुछ भी लगा रहे हैं, उसका कम से कम इतना भाव तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर उस दिन उस प्रीमियम को पे करने के बाद भी अगर वो पैरिटी में है, वो फायदे में है, तो वो उससे अपना एक डिसीजन ले सकते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर कॉमोडिटी लगानी चाहिए या ये पर्टिकुलर कॉमोडिटी हमें नहीं लगानी चाहिए। ठीक बात है, ये आपने बहुत डिटेल में बताया कि किसानों को इससे क्या फायदा हो सकता है। तो किसानों के लिए आपने बहुत सही बताया कि किसानों को इसके जरिए यह अंदाजा हो जाएगा कि आगे जो खेती वो कर रहे हैं उसका प्राइस क्या रहने वाला है, और उसको ध्यान में रखकर वो अपनी खेती की नई प्लानिंग कर सकते हैं। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म किसानों के लिए तैयार किया गया है। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा आपसे और होगा, थोड़ा टेक्निकल मुद्दा है, किसानों के लिए पुट ऑप्शन कितना कारगर साबित हो सकता है। सर देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑप्शंस के अंदर एक पुट होता है, एक कॉल होता है, पुट से हमारी मंदी जो है वो सिक्योर होती है। यहाँ पर जो किसान भाई है, बेसिकली वो लोग प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास कॉमोडिटी हमेशा उनके पास रहता है, या वो उसको स्टॉक करना चाहते हैं अच्छे भावों के लिए आगे आने वाले समय में। फार्मर्स के पास, किसान भाइयों के पास ये ऑप्शन है कि वो अपना प्रोड्यूस को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ना जाएं और वो सीधा का सीधा अपना पुट बाइंग कर ले। पुट बाइंग करने से क्या होगा कि आने वाले समय में जो भाव का उन्होंने, जिस स्ट्राइक प्राइस का पुट उन्होंने बाय किया है, वो भाव तो उनको मिनिमम मिलने ही मिलने वाला है। उसके भाव हुआ, उस भाव के अंदर वो चाहे तो बाजार में उस भाव पे वो माल को बेच भी सकते हैं। ओके, तो ये आपने फायदे बताए कि पुट ऑप्शन के क्या फायदे हैं और अलग अलग बातें यहाँ पर की गई हैं। और अब मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ अंकित जी, क्योंकि आप कमोडिटी मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, एग्री मार्केट को खास करके, आप जरा बताएं, इस तरह की बहुत पहल की गई है किसानों के लिए एक्सचेंज की तरफ से, तो आप खेती किसानी को बढ़ावा देने में एग्री कमोडिटी एक्सचेंज का कितना बड़ा रोल देख रहे हैं अभी इस वक्त, और आगे इसमें कितनी संभावनाएं और आपको दिख रही हैं। सर, एग्री कमोडिटी जो व्यापार है, ये भारत की छोटी छोटी मंडियों से पूरे भारत में किया जाता है। जैसे कि हम बात करें, अगर चना है तो गंगानगर, बीकानेर, कोटा
इंदौर, अकोला ऐसी जगहों पे होता है, जबकि इसका यूज पूरे पूरे भारत में किया जाता है, पूरे भारत में इसका डिमांड रहता है। तो जो एग्री कॉमोडिटी एक्सचेंजेस हैं वो हमें एक प्राइस देते हैं जो बताते हैं कि मंडियों के अंदर आज के दिन क्या भाव चल रहे हैं, जो फेयर भाव हमें पता चलते हैं कि ये आज उनके फेयर भाव हैं। इसके अलावा जो एग्री कॉमोडिटी एक्सचेंज है, जैसे कि अगर भारत में बात करें तो एनसीडीएस एक प्रमुख एग्री कॉमोडिटी एक्सचेंज है भारत का, तो वो नए नए टेक्नोलॉजीज लेके आता है, नए नए कानून नियम लेके आता है, जिससे कॉमोडिटी मार्केट जो है, एग्री कॉमोडिटी मार्केट है, वो स्ट्रेंथन हो, यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए, यहाँ पर फार्मर्स आए, जहाँ पे फार्मर्स बिना अतिरिक्त किसी खर्चे के या बिना किसी परेशानी के इजी और इजी तरीके से फ्रेंडली बिहेवियर में अपने सामान को सीधा एक्सचेंज के माध्यम से डिलीवर कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्री कॉमोडिटी एक्सचेंज है भारत के अंदर, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है पूरे एग्री ट्रेड को स्ट्रेंथन करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। ओके, बहुत शुक्रिया अंकित जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और कमोडिटी की क्लास में बताने के लिए कि ऑप्शन इन गुड्स कितना अच्छा टूल है फार्मर्स के लिए और इसका कितना बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।